गाइस मैं आपका वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस आई होप करता हूँ कि आप सभी भाई लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहें। तो गाइस आज हम अपने सभी कबूतरों को आपको शौक कराएंगे। और हमारे छत पर आए सरफराज भाई, देख सकते हैं ये जा रहे हैं। सरफराज भाई आपको सभी कबूतरों का शौक कराएंगे। सरफराज भाई निकाल लो कोई बढ़िया जोड़, निकाल लो जाके। सरफराज भाई जा रहे हैं निकालने कोई जोड़, दिखाएंगे आपको बढ़िया जोड़, देख सकते हैं गाइस। गाइस आज मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, देख सकते हैं गाइस। ये देख सकते हैं ये दो कबूतर लेके आए हैं। ये सरफराज जी बताएंगे कौन कौन से कबूतर हैं, इनकी नस्ल बताएं सरफराज जी। ये देख सकते हो भाई कलसरा, जो 10-10 घंटे उड़ के आता है केले। और ये देख सकते हैं दुमाज का, ये दुमाज का भी नहीं आ रहा इतना मोटा। हम दिखाते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस ये है दुमाज का नर, बहुत ही बढ़िया नर है। ये कलसरा छोड़ दिया सरफराज जी ने, ये दुमाज का नर है। ये दोनों नर ही हैं गाइस, ये सरफराज जी दोनों नर निकाल के लाए हैं, देख सकते हैं गाइस। अब और निकाल के लाए सरफराज जी कबूतर, कोई बढ़िया जोड़ निकालना है। ये जोड़ निकालने गए गाइस, देख सकते हैं ये बढ़िया जोड़ निकाल के लाएंगे सरफराज भाई। देखिए ये गाइस ये बैठ चुके हैं, हम चलिए गाइस इन्हें उड़ा देते हैं। गाइस इन्हें हमने उड़ा दिया, वो वहाँ पर बैठ गया और ये आ गया गाइस। तो गाइस ये निकाल के लाए हैं कबूतरों को, दो कबूतर गाइस ये देख सकते हैं। ये है देखिए फुल वाइट आइज है इसकी गाइस। ये कौन से कबूतर है गाइस? ये भी एक उड़ान का और ये मुखी का कबूतर है। इसको छोड़ दें, इसकी आँख दिखाएं, आँख दिखाएं इसकी आँख कैसी है, देख सकते हैं इसकी आँख माशाल्लाह कितनी बढ़िया आँख है। छोड़ने छोड़ने देखो मुखी जी कबूतर है, ये कलदमा कबूतर है गाइस। और गाइस अब हम आपको शौक कराते हैं कबूतरों का। गाइस मैं कबूतरों को निकाल के लेकर आता हूँ। तो गाइस जो कलदमे से लगी हुई मादा है वो ये कबूतरी है, देख सकते हैं ये मादा है। सरफराज पकड़ के दिखाएं से, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मादा है, देसी मादा है गाइस। गाइस हम उस कंसरे से जो कंसरा दिखाया था आपको उससे मादा लगी हुई मादा दिखाते हैं, वो भी कंसरी है। ये रही गाइस उसकी मादा, देख सकते हैं गाइस ये कितनी ही बढ़िया आँख है इसकी, यही बहुत उड़ान करती है। चली गई है गाइस, अभी और दिखाते हैं हम आपको कबूतर। और ये हमारा गोला का नर बैठा हुआ है। अब गाइस दिखाते हैं उस दुमाज से लगी हुई मादा। तो गाइस ये दुमाज के नर से हमारी मादा लगी हुई है, देख सकते हैं ये मादा लगी हुई है। गाइस ये छोड़ देते हैं बाहर को, चलिए इसे छोड़ दिया गाइस हमने। और गाइस ये हमारा गोला कबूतरी ने अंडा दिया था, गाइस तोड़ने थे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जैसा कि ये देख सकते हैं एक ही अंडा बचा, एक अंडा इसका गिर गया गाइस, इसने गिरा दिया। इसका नर ये है और इसने गाइस ये पिछला बच्चा निकाला है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बच्चा हो रहा है, ये भी गोला में ही जाएगा। चलिए गाइस इन्हें भी छोड़ देते हैं हम बाहर को। सरफराज भाई दाने ले आओ जाके अंदर रखें। ये हमारा कंसरे का एक जोड़ है गाइस, देख सकते हैं जोड़ भी बहुत ही बढ़िया जोड़ है, ये देख सकते हैं नर गया गाइस, आपने देखा ही होगा मेरी निधि वीडियो में। और गाइस इस मादा को आपने पिछली वीडियो में ही देखा होगा शॉर्ट वीडियो में, ये देख सकते हैं ये भी बहुत ही पुरानी मादा है गाइस। इसने एक बच्चा निकाल था गाइस, वो बेचारा मर गया। गाइस इसे भी छोड़ देते हैं गाइस, इस गोला की मादा को निकाल देते हैं और गाइस इसके अंदर से। तो गाइस ही वो उसी के अंदर रखा है, जाओ निकाल लो। गाइस देख सकते हैं ये दिमाग का नर लगा हुआ है, देख सकते हैं गोला का नर भी बोल रहा है और इसके सामने अंदर। तो गाइस चलिए एक कबूतर रह गया उसको दिखाते हैं गाइस। ये हमने गाइस आपको एक वीडियो भेजी थी गाइस, उसमें हम सेल कर रहे थे। ये मादा आ गाइस प्योर मादा है, इसने जोड़ लगा ली है एक नर से। अगर जिस भाई को भी चाहिए तो मैं उसको अपना नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा गाइस,
तो वो लेने के लिए आ सकते हैं गाइस, अवेलेबल है गाइस। गाइस चलिए मैं दाने लेकर आता हूँ, इन्हें नहीं मिले सरफराज भाई को, हम ही लेके आते हैं गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर दाने रखे थे, फिर नहीं लेके आ पाई, तो हम ही नहीं लेके आए हैं दानों को। और हम अपने कबूतरों को अब दाने डालते हैं। गाइस ये दाने डाल दिए कबूतरों को, ये सभी कबूतर एक एक करके आ गए हैं। देख सकते हैं सब दानों पर टूट पड़े हैं। और गाइस अगर आपको सरफराज के कबूतर देखना हो तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हम आपको सरफराज के कबूतर भी दिखाएंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।